ओकलकांडा ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मैक्स दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को प्रशासन ने अब तक नहीं दिया पूर्ण मुआवजा। मैक्स दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे के लिए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल मृतकों के परिजनों को प्रशासन द्वारा लिखित रूप में 4 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन 2 साल हो गए आधा मुआवजा देकर प्रशासन अपने लिखित वादे को भूल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, SDM ने, DM साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी 10 बॉडियां, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे आप, इसको हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे क्या? इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई, आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होते आया, इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। लेकिन वो कहते हैं एक शेर है, वक्त जरा जरा संभल के चल, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।